हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज है 31st of October, विच मीन्स अक्टूबर का लास्ट डे। और डेली करंट अफेयर के सेशन के साथ मैं रवनीत कौर एक बार फिर से बीपीएससी उत्कर्ष के इस चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। तो देखिए, ये करंट अफेयर जो है ये आपके हर एक एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट रेलिवेंट होगा, क्योंकि करंट अफेयर कोई भी हो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। हर इम्पॉर्टेंट न्यूज जो है उसको हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। और जैसा बोला जाता है, डिफरेंट सेगमेंट्स में ये करंट अफेयर होगा। सबसे पहला फास्ट बुलेटिन का सेगमेंट है, उसके बाद आपका डीसीए का सेगमेंट है डेली करंट अफेयर का, और उसी के बेस पे बाद में हम एमसीक्यूज देखेंगे, देन हम होमवर्क का क्वेश्चन देखेंगे और बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, जो कि पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इन सब के अगर आप नोट्स बना सकते हैं हैंड रिटन, तो आई वुड प्रेफर टू से कि आप बनाइए और नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर ऐसा नहीं है कि बहुत अकेला सा टॉपिक है। इट इज कनेक्टेड विद द स्टैटिक पोर्शन। ठीक है, स्टैटिक से जोड़ के ही हम इसको पढ़ते भी हैं बार बार, चाहे वो हिस्ट्री का करंट अफेयर है, चाहे ज्योग्राफी का, चाहे पॉलिटी का, या फिर इंटरनेशनल रिलेशन का। राइट, तो इस तरीके से हम इसको कवर करेंगे। सेशन को शेयर कर देंगे बाकी बच्चों के साथ, ताकि बाकी सब बच्चे भी टाइम से आ जाएं। वेरी गुड मॉर्निंग सत्या। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक अच्छे से कोटेशन के साथ। ये एक्चुअल में कोटेशन है एक्सक्यूजेस के बारे में। देखिए, बहाने बनाना किसे नहीं पसंद, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहाने बनाते हैं और उसके बाद उस चीज पे बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं कि मैंने एक ऐसा बहाना बनाया, सामने वाले को समझ भी नहीं आया, मतलब मैंने बेवकूफ बना दिया उसको। एक्चुअल में जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा मन जो है वो बहुत सारे बहाने बनाता है। कभी ऐसा बहाना बना देगा कि अभी फेस्टिवल्स आने वाले हैं जैसे, है ना, तो अभी क्या ही पढ़ना है, एक साथ दिवाली के बाद किताबें उठाएंगे। या फिर ऐसा बहाना बना देगा कि आज सर दर्द हो रहा है, आज फीवर लग रहा है। ये सब एक्सक्यूजेस जो होते हैं ये हमारा मन बनाता है। देखिए, अगर आप पढ़ने बैठे हैं तो आपको अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रांग बनाना होगा कि आपके बहाने उस चीज में कुछ ना कर पाए। बी मोर स्ट्रांग देन द एक्सक्यूजेस, ये आज का थॉट है। चलिए चलते हैं फास्ट बुलेटिन के सेगमेंट पे। गुड मॉर्निंग गुफरान एंड अजय। फास्ट बुलेटिन में सबसे पहला क्वेश्चन है एसबीआई के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कौन से क्रिकेट आइकन को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? और देखिए, क्रिकेट आइकन को अगर ब्रांड एम्बेसडर बनाया है तो आम सी बात है जो यंग पॉपुलेशन है वो ज्यादा इफेक्ट होगी, ज्यादा टारगेट होगी, और उसको ज्यादा एसबीआई के बारे में पता लगेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। बैंक्स दो टाइप के होते हैं, एक पब्लिक सेक्टर और एक प्राइवेट। तो किनको एम्बेसडर बनाया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। और ऐसा नहीं है कि सबसे पहला पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही बना है जिसने एमएस धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा ऑलरेडी जो है, जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक ही है, उसके द्वारा राहुल द्रविड़ जो है उसको, उनको भी एक बार अपना एम्बेसडर बनाया जा चुका है। तो राहुल द्रविड़ ऑलरेडी बैंक ऑफ बड़ौदा के एम्बेसडर हैं, और एसबीआई के एम्बेसडर अब एमएस धोनी होंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, ऑफिशियल स्पॉन्सर 37th नेशनल गेम्स का किसको बनाया गया है? तो जरा आप मुझे ये बताएंगे 37th नेशनल गेम्स किस जगह पे हो रही है, इसका प्लेस बताना है आपको। सेकेंड बताना है इसके मैस्कट का नाम क्या है, शुभंकर का आपको इसके नाम बताना है। तो देखिए, ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बना है? पेटीएम। पेटीएम ने अनाउंस करा है कि ऑफिशियली पेटीएम स्पॉन्सर करेगा नेशनल गेम्स को। जब नेशनल गेम्स हो रही हैं तो बहुत सारे क्यूआर कोड, बहुत सारे डिपार्टमेंट की फंडिंग, बहुत सारी चीजें ऐसे चल रही हैं, वो सब चीजें फंडिंग का जो, मतलब मान के चलिए क्राइटेरिया होगा फंडिंग का, जो डन किया जाएगा फंडिंग को, वो सब पेटीएम के थ्रू किया जाएगा। तो पेटीएम 37th नेशनल गेम्स का ऑफिशियल स्पॉन्सर बना है। तो प्लेस बताइए कहाँ पे हो रही है 37th नेशनल गेम्स। 36th नेशनल गेम्स हमारी कहाँ पे हुई थी? गुजरात के अंदर हुई थी। 36th नेशनल गेम्स में फर्स्ट रैंक किसने हासिल किया था, टॉप किसने किया था? सर्विसेज ने। और सेकंड कौन रहा था? सेकंड रहा था महाराष्ट्र। वेरी नाइस, गोवा। गोवा में आपकी हो रही है। मैस्कट क्या है, शुभंकर क्या है 37th नेशनल गेम्स का? शुभंकर का नाम क्या है? शुभंकर है मोगा। और मोगा किसके नाम से रखा गया है, किसको सिंबलाइज करता है? ये इंडियन बाइसन को सिंबलाइज करता है। इंडियन बाइसन माने गौर, गौर कहा जाता है इंडियन बाइसन को। और ये क्या है, तरीके का कैटल है,
कैपिटल है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट आपका न्यूज जो है वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के बारे में है। सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि सातवां, मैं आपको आंसर यही बता दे रही हूँ, पूछा यही गया है कि कौन से नंबर का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव हाल फिलहाल हुआ है जिसमें पीयूष गोयल जो कि हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो सेवेंथ आपका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव अगर पूछा जाएगा किस जगह पे हुआ है तो आपका ये किस कंट्री में हुआ है, सऊदी अरेबिया। और रियाद क्या है, रियाद सऊदी अरेबिया का कैपिटल है। सो ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में एक्चुअल में देखा जाएगा किस किस फील्ड में इंडिया के पास फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट आ सकते हैं। ये सेवेंथ इनिशिएटिव था इस तरीके का जहां हमारे कॉमर्स मिनिस्टर जो हैं वो पहुंचे हैं। अगला आपका न्यूज है कंट्री के फर्स्ट रेफरेंस फ्यूल के बारे में। रेफरेंस फ्यूल जो है भारत का सबसे पहला वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसको लॉन्च किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। आप देखिए ये बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है जिसने रेफरेंस फ्यूल को लॉन्च किया। समझने वाली बात ये है कि रेफरेंस फ्यूल होता क्या है। देखिए एक तो होता है फ्यूल जो हम गाड़ियों में यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था पेट्रोल को हम गैसोलीन कहते हैं, और एक होता है डीजल। ठीक है, ये तो नॉर्मल फ्यूल हुआ जो ट्रांसपोर्ट में यूज होता है। और मैक्सिमम फ्यूल जो है या कह लीजिए ऑयल जो है वो इंडिया इम्पोर्ट ही करता है क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज है नहीं। अब रेफरेंस फ्यूल क्या है, देखिए जब हमारे व्हीकल बनते हैं, गाड़ी वगैरह जब बनाई जाती है, ट्रांसपोर्ट जब बनता है, उस टाइम पे उस ट्रांसपोर्ट के इंजन को टेस्ट करना होता है, किसी भी चीज को टेस्ट करना होता है, उसको टेस्ट करने के लिए भी तो ये फ्यूल चाहिए, ये वाला तेल चाहिए। और ये फ्यूल उसमें जो यूज होता है, गाड़ियां बनते टाइम जो यूज होता है उसे कहते हैं रेफरेंस फ्यूल। मतलब ये कुछ नहीं है, ये गैसोलीन और डीजल ही है, पर इसका यूज तब हो रहा है जब हमारा व्हीकल या गाड़ी बनाई जा रही है। तो जब बनाई जा रही गाड़ी को टेस्ट करने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं तो ये तो एक तरीके से मानिए वेस्ट हो गया। तो क्या किया जा रहा है, अब इसको खुद से यहाँ पे बनाया जा रहा है भारत के अंदर। सबसे पहले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला रेफरेंस फ्यूल बना दिया। तो इसका मतलब अगर गाड़ी को टेस्ट करना होगा तो ये गैसोलीन और डीजल जो हमारे भारत में ही बना है उसी से गाड़ी आपकी टेस्ट हो जाएगी। मतलब भारत का जो तेल को या गैसोलीन डीजल को इम्पोर्ट करने का खर्चा था वो कम हो जाएगा, हमें इसको कम इम्पोर्ट करना पड़ेगा। और इम्पोर्ट कम करेंगे तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है या फिर कह लीजिए फॉरेन रिजर्व जो खाली हो रहा है वो सब हमारा कम हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारत का सबसे पहला रेफरेंस फ्यूल जो है वो लॉन्च किया है। आगे देखते हैं सातवां एडिशन इंडियन मोबाइल कांग्रेस का किस जगह पे आयोजित किया गया। तो देखिए इंडियन मोबाइल कांग्रेस का जो ये ऑडिशन है या कह लीजिए एडिशन सॉरी ये क्या है एक्चुअल में, यहाँ पे जो आपका 5G इनिशिएटिव चल रहा है उसके बारे में डिस्कशंस करी गई हैं। ये आपका लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा और ये न्यू दिल्ली में लॉन्च हुआ है। इसी मौके पे आपकी 5G केस टेस्ट लैब्स इनको प्राइज भी दिया गया। अब ये 5G केस टेस्ट लैब क्या है, देखिए भारत में ये अनाउंस किया गया था कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है मतलब जहां पढ़ाई वगैरह करवाई जाती है वहां पे 100 5G केस टेस्ट लैब जो है वो लगाई जाएंगी। अब नाम से क्लियर है यहाँ पे 5G को टेस्ट किया जाएगा, पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्यों लगाया जाएगा, इसलिए लगाया जाएगा ताकि वहां के जो बच्चे हैं वो ये समझ पाए कि 5G किस तरीके से काम करता है और इसके क्या क्या बेनिफिट है। और फिर आगे जो 6th जनरेशन आएगा, जो 6G आएगा उसके बारे में प्रोजेक्शंस भी समझ पाए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो आने वाले टाइम में हो सकता है इसी टेक्नोलॉजी के फील्ड में बड़े होकर कोई स्टार्टअप जो है वो शुरू कर दे, तो उससे पहले उनको बेसिक तो नॉलेज अच्छा होना चाहिए ना। इसी के लिए आपकी ये केस टेस्ट लैब जो है इनको अवार्ड दिए गए हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। अब चलते हैं आगे, पॉलिटिशियन ली क्यांग जो है इनका हाल फिलहाल देहांत हुआ है। तो आपसे पूछा गया ये किस कंट्री के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो ये हमारा नेबर कंट्री चाइना जो है उसके प्रधानमंत्री रह चुके हैं और ये वहां की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंध रखते थे। अब चलते हैं आगे, अब इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, अगरतला अखौरा रेलवे प्रोजेक्ट जो है ये भारत का किस कंट्री के साथ सेटअप किया जा रहा है, भारत किस कंट्री के साथ इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा है जरा बताइए। अच्छा देखिए भारत का जब हम मैप बनाते हैं इस तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न एरिया का, तो यहाँ पे आपका बांग्लादेश है,
मैंने हाफ मैप बनाया है बहुत, और यहाँ पे है आपका त्रिपुरा, ये हो गया नॉर्थ ईस्टर्न का पोर्शन। स्केच हम चेंज कर लेते हैं, देखिए ये हो गया नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन, ठीक है। अब देखिए ये है त्रिपुरा, यहाँ पे ये है बांग्लादेश। तो आप देखिए अगर हम लोगों को यहाँ वेस्ट बंगाल से कनेक्ट होना होगा तो त्रिपुरा को यहाँ से आते हुए ऐसे कनेक्ट होना होगा, जो लंबा रास्ता पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से सीधा कनेक्ट कर दूं त्रिपुरा और बांग्लादेश को, फिर बांग्लादेश से मैं सीधा वेस्ट बंगाल कनेक्ट कर दूं तो कम रास्ता पड़ेगा, खर्चा कम होगा। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये रेलवे प्रोजेक्ट जो है ये भारत बना रहा है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये प्रोजेक्ट हमेशा ही न्यूज में रहता है, बांग्लादेश और भारत के बीच में है, इंडिया में त्रिपुरा को जोड़ा जाएगा, बांग्लादेश में अखौरा नाम का एक जगह है जिसको कि रेलवे कनेक्शन के थ्रू जोड़ा जाएगा। बात करते हैं पैसे की, खर्चा कौन करेगा। देखिए जो त्रिपुरा के अंदर रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, मतलब जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में त्रिपुरा में आपकी लाइन बिछाई जाएगी, उस लाइन का खर्चा कौन करेगी, उस लाइन का खर्चा करेगी मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट। नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है उसके लिए अलग से एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डेवलपमेंट, वो खर्चा करेगी त्रिपुरा में लाइन को बिछाने का, रेलवे लाइन बिछाने का। और जो बांग्लादेश में रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, ध्यान देंगे उस रेलवे लाइन पे खर्चा बांग्लादेश की सरकार नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि अगर बांग्लादेश में लाइन बिछ रही है तो बांग्लादेश की सरकार पैसा देगी, कनेक्ट तो भारत हो रहा है ना, तो बांग्लादेश में जो लाइन बिछेगी उसका खर्चा हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री उठाएगी, हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जो है वो उसकी फंडिंग करेगी। तो दो भागों में इसकी फंडिंग की जाएगी और ये आपका अगरतला अखौरा रेलवे लिंक के नाम से जाना जाएगा। अब आते हैं डेली न्यूज के सेगमेंट में, जिसमें सबसे पहली न्यूज आपकी जो है वो रिलायंस जियो के बारे में है। आपको यहाँ डायग्राम से कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी कि सैटेलाइट का यूज किया जा रहा है और फिर यहाँ कंप्यूटर के साथ नीचे वो कनेक्ट हो रहा है। देखिए सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट की सेवा जो है वो रिलायंस जियो के द्वारा दी जाएगी, और रिलायंस जियो भारत का ऐसा करने वाला सबसे पहला सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट इंटर सर्विस प्रोवाइडर बना है। मतलब हमारे भारत में सबसे पहले सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट का सर्विस प्रोवाइडर कौन बना है, जियो। मतलब आने वाले टाइम में सैटेलाइट के थ्रू आप इंटरनेट जो है अपने घरों में पा पाएंगे। आज के टाइम क्या होता है, वाईफाई लगते हैं, वायर लगता है, इथरनेट के पोर्ट लगते हैं, पर आने वाले टाइम में क्या होगा, सैटेलाइट होगा, सैटेलाइट से ही आपको सीधा वाईफाई का या कह लीजिए इंटरनेट का कनेक्शन मिल जाएगा। अब ये भारत का सबसे पहला है, भारत में सबसे पहले ये चीज रिलायंस कर रही है, पर वर्ल्ड में, विश्व में ये चीज पहले भी हो चुकी है। एक प्रोजेक्ट है स्टारलिंक, स्टारलिंक प्रोजेक्ट किसका है, टेस्ला के फाउंडर, कौन है टेस्ला के फाउंडर, एलन मस्क, उनके द्वारा स्टारलिंक जो है वो लाया गया था, जिसमें कि उन्होंने भी यही कहा था स्पेस को सैटेलाइट को यूज करके इंटरनेट के कनेक्शन दिए जाएंगे। अब फर्क क्या है, देखिए जो स्टारलिंक या पहले के जो प्रोजेक्ट आए थे जो कि स्पेस को यूज करके सैटेलाइट से इंटरनेट देंगे, वो सब प्रोजेक्ट अपना जो सैटेलाइट था वो कहाँ पे प्लेस कर रहे थे, लो अर्थ ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट में। धरती के अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट 2000 किलोमीटर तक है, और जो रिलायंस जियो है उसके द्वारा क्या यूज किया जाएगा, मिडल अर्थ ऑर्बिट, मिडल अर्थ ऑर्बिट। मिडल अर्थ ऑर्बिट करने का फायदा क्या होगा, देखिए एक और ये लो अर्थ ऑर्बिट है, इसके ऊपर है मिडल अर्थ ऑर्बिट। अब मिडल अर्थ ऑर्बिट में जब आप सैटेलाइट को प्लेस करेंगे तो ये ज्यादा एरिया कवर करेगा, ज्यादा एरिया में इंटरनेट कनेक्शन दे पाएगा, तो ये इसका फायदा है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं इंटरनेट को कनेक्ट किया जाएगा एक नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर के साथ, फिर सैटेलाइट के साथ जोड़ा जाएगा एक डिश के थ्रू, सैटेलाइट डिश होती है ना, उससे सैटेलाइट में ये कनेक्शन जाएगा, वापस दूसरा डिश इसको रिसीव करेगा और कंप्यूटर के साथ इसका कनेक्शन बिठाएगा। अब देखते हैं इसका सक्सेस क्या रहता है, पर ये है इससे फायदा होगा बहुत सारा, क्योंकि बहुत सारे रिमोट एरियाज ऐसे हैं खास करके गाँव के इलाके जहाँ पे आज भी इंटरनेट की वायर नहीं जाती है या बिछी ही नहीं है, तो वहां पे ये सब कनेक्शन फायदा करेंगे। अब चलते हैं आगे, भारत की नेवी के द्वारा 25 टी बॉलार्ड पुल टग महाबली जो है इसको गुजरात में लॉन्च किया गया। तो देख सकते हैं महाबली एक तरीके का क्या है, शिप है, जहाज है बहुत बड़ा, इसको टग कह रहे हैं, और ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि इंडिजिनस है,
भारत के द्वारा खुद बनाया गया है, मतलब ये भारत की आत्मनिर्भर भारत की जो कथा है या फिलॉसफी है उसको क्या कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। हम हर एक चीज में खुद को सक्षम बनाना चाहते हैं, चाहे वो डिफेंस है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे खेती बाड़ी है। तो डिफेंस के सेक्टर में महाबली एक और कॉर्नर स्टोन है जहां पे हमने खुद से इसको डिवेलप किया। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट आपकी न्यूज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स के बारे में। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स जो है इनको जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं उनके द्वारा हेड किया जाता है, साइंटिफिक एडवाइजर। अब ये क्लस्टर होते क्या हैं? क्लस्टर का मतलब होता है किसी चीज का ग्रुप बना देना। ये रिसर्च लैब समझिए इस तरीके से, बहुत सारी रिसर्च लैब हैं, एरियाज हैं जिनको आपस में जोड़ के क्लस्टर बना दिया गया। ये इसलिए बनाया गया ताकि अलग अलग एरिया में जो रिसर्च हो रही है वो एक जगह पे हो पाए, आपस में कनेक्शन बैठ पाए और बहुत एडवांस लेवल पे रिसर्च की जा सके, चाहे वो मेडिसिन का फील्ड है चाहे बायोटेक का फील्ड है। तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के द्वारा हाल फिलहाल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स जो हैं जो वर्क कर रहे हैं उनकी मीटिंग को आयोजित किया गया और देखा गया किस तरीके से ये ऑपरेट कर रहे हैं। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट आपकी जो न्यूज है वो चेन्नई के बारे में है। चेन्नई के द्वारा एक एग्जीबिशन लगाई गई थी, इस एग्जीबिशन में पिचवाई जो है इसको शो किया गया। पिचवाई कहते हैं इसे, पिचवाई एक तरीके का आर्ट है, मान के चलिए एक कला है, ये 350 साल पुरानी है। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये पिचवाई का ही एक रूप दिखाया गया है, दिस इज अ पेंटिंग, इस तरीके से समझिए कि एक पेंटिंग है। ये आर्ट स्टार्ट कहाँ पे हुआ था, पिचवाई का आर्ट स्टार्ट हुआ था राजस्थान के अंदर, राजस्थान में पिचवाई स्टार्ट हुआ था। ये दो वर्ड से बना है, एक है आपका पिच, पिच का मतलब बैक पीछे, वाई का मतलब क्या होता है, वाई मतलब पीछे ड्राइंग करना और फिर दीवार पे टांग देना। तो इसमें किया क्या जाता है, एक्चुअल में कपड़ा लिया जाता है, कपड़े के ऊपर खास करके लॉर्ड कृष्ण जो है, कृष्ण भगवान के बहुत सारे लाइफ इवेंट जो हैं उनको ऐसे पेंट किया जाता है, कह सकते हैं धागे से उनको कढ़ाई में किया जाता है, पिरोया जाता है। कृष्ण जैसे मान के चलिए भगवान कृष्ण है, उन्होंने कंस को मारा उसका एक इवेंट दिखा दिया, रासलीला का इवेंट दिखा दिया, इस तरीके से बहुत सारे उनके लाइफ के फेज दिखा के पेंटिंग कर दी जाती है, फिर उस पेंटिंग को दीवार पे टांगा जाता है जिसको कहते हैं पिचवाई। इसकी एग्जीबिशन राजस्थान में नहीं हुई है जहां पे ये आर्ट फॉर्म ज्यादातर बनाया जाता है, ये जो एग्जीबिशन है ये चेन्नई के अंदर हुई है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट आपकी जो न्यूज है वो चाइना के बारे में है। देखिए हमारे पास अभी जो स्पेस में एक स्टेशन है जो कि स्पेस में सारी चीजों को ऑब्जर्व करता है वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं ISS। ये जो स्पेस स्टेशन है ये कौन कौन सी कंट्रीज के द्वारा सेटअप किया गया था, इसमें आपका एक यूएसए है जिसका नासा आएगा, फिर एक है यूरोपियन स्पेस एजेंसी मतलब यूरोप भी था जिसने ये सेटअप किया, साथ में है कैनेडियन स्पेस एजेंसी मतलब कनाडा CSA। ये तीन एजेंसीज ने मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो था इसको लॉन्च किया था। बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन है जहां पे स्पेस में लोग रहते हैं और देखते हैं आसपास की स्पेस की एक्टिविटीज को। तो चाइना खुद का भी स्पेस स्टेशन लेके आ रहा है जिसका नाम है तियांगोंग स्पेस स्टेशन। तो तियांगोंग स्पेस स्टेशन के लिए चाइना ने एक क्रू तैयार किया है, मतलब जो मेंबर्स उस स्पेस स्टेशन में रहेंगे वो तैयार किए हैं और वो सबसे यंगेस्ट हैं, बहुत ही कम उम्र के हैं। तो इस तरीके से चाइना जो है वो अपना स्पेस स्टेशन लेके आएगा, हालांकि ये छोटा सा स्पेस स्टेशन होगा जिसमें केवल 3 क्रू मेंबर रह पाएंगे, कैबिन भी ज्यादा नहीं होंगे, पर फिर भी चाइना खुद को इस जगह पे क्या करना चाहता है, ऑटोनॉमस सेट करना चाहता है और ये एस्टैब्लिश करना चाहता है कि चाइना कैन डू बेटर। अब चलते हैं आगे, देखिए केरला के अंदर बहुत ही दुख भरी एक चीज हुई है, वो है ब्लास्ट। केरला में जो सीरियल ब्लास्ट हुए हैं उस टाइम पे एक टर्म निकल के आई है जिसको कहते हैं जेहोवाज विटनेस। जेहोवाज विटनेस क्या है, इनके बिलीफ क्या है और ये जोड़ा जा रहा है कि ब्लास्ट का कुछ लिंक है इनके साथ। तो जेहोवा विटनेस के बारे में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये क्रिश्चियनिटी का एक सेक्ट है, क्रिश्चियनिटी का सेक्ट है। अब ये क्रिश्चियनिटी के सेक्ट जो हैं, ये वाले जेहोवा जो हैं, ये डिफरेंट कैसे हैं? एक्चुअल में क्रिश्चियनिटी में ये माना जाता है कि भगवान आपको 3 रूप में मिलते हैं। पहला भगवान का रूप वो कहते हैं जो एलमाइटी है, मतलब जो ऑलरेडी एक होली स्पिरिट है, होली स्पिरिट है, वो एक गॉड हो गए। सेकेंड वो मानते हैं जो फादर होते हैं वो गॉड होते हैं। थर्ड वो मानते हैं जीसस क्राइस्ट, ये भी गॉड होते हैं।
तो ये तो हो गए क्रिश्चियनिटी वालों की बेसिक फिलॉसफी जो वो मानते हैं। अब ये जेहोवास कैसे डिफरेंट है? जेहोवास ये कहते हैं कि तीन गॉड नहीं होते हैं, गॉड का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ एक है और उसको हम कहते हैं जेहोवा। जेहोवा का मतलब क्या हुआ? जेहोवा का मतलब हो गया एलमाइटी, एक ही भगवान है। और फिर वो ये भी मानते हैं कि एलमाइटी एक ही है, भगवान एक ही है, पर ये जो जीसस क्राइस्ट हैं, ये क्या हैं? ये इस भगवान के रचे हुए किंगडम के राजा हैं। तो ये जीसस क्राइस्ट को भगवान नहीं मानते हैं, हालांकि ये बाइबल को मानते हैं। बाइबल जो है उसको ये जरूर मानते हैं, उसकी टीचिंग्स को मानते हैं, क्योंकि इनको लगता है बाइबल जो है वो अब्राहम के द्वारा दी गई थी। तो इस तरीके से जेहोवा डिफरेंट है नॉर्मल जो क्रिश्चियनिटी के लोग फॉलो करते हैं उससे। और एक चीज ध्यान रखेंगे, भारत में ये 1905 में आए थे और तब से ये वहां पे केरला के एरिया में साउथ इलाके में एस्टेब्लिश हुए हैं, और अब रिसेंटली जो ब्लास्ट है उसमें इनकी टर्म को यूज किया गया है। अब चलते हैं आगे, वर्ल्ड सिटीज डे। वर्ल्ड सिटीज डे हर साल 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार का जो थीम था वो सस्टेनेबल सिटीज को लेके था। बार बार हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की, सस्टेनेबिलिटी ध्यान रखेंगे जहां पे भी यूज करेंगे, मतलब यही है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, चाहे वो इकोनॉमी के फील्ड में है, चाहे सोसाइटी के फील्ड में है, चाहे पॉलिटिक्स के फील्ड में है, आप हर एक काम करते टाइम एनवायरनमेंट का ख्याल रखोगे, आप एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं करोगे, एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज करोगे। तो वर्ल्ड सिटीज डे 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है। आगे चलते हैं, विजन इंडिया एट 2047। साल 2047 का एक डॉक्यूमेंट निकला है जिसका नाम है विजन इंडिया एट 2047। ये डॉक्यूमेंट क्या बताता है? कि भारत 2047 तक खुद को 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएगा। ये ऑब्जेक्टिव या कह लीजिए ये टारगेट भारत ने हाल फिलहाल सेटअप किया है कि खुद को 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जो है वो 2047 तक बनाना है। आगे चलते हैं डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पे। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे करके नंबर डालते हुए आंसर करना है। जितने भी अभी तक हमने डीसीए करे हैं, मतलब जो डेली न्यूज देखी है, ये क्वेश्चंस उसी पे बेस्ड हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इकोनॉमी से थोड़ा आप लिंक कर सकते हैं। पूछा गया है कि टीओटी का मॉडल जो है, जो हाईवे को मोनेटाइज करने के काम आता है, मतलब जो राजमार्ग बनाए गए हैं उससे हम पैसा पा सकते हैं, ये वो मॉडल है, इसका फुल फॉर्म क्या है? बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होगा। सभी को गुड मॉर्निंग, बताइए अब जरा। देखिए हाईवे जो हमारे बनते हैं वो ऐसा नहीं है कि भारत की सरकार खुद ही सारे हाईवे बनाती है। हम लोग प्राइवेट सेक्टर के साथ क्या करते हैं? कोलैबोरेट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब दोनों के बीच में पार्टनरशिप है। तो जब पार्टनरशिप की जाती है तो अलग अलग लेवल पे होती है। जैसे बोला जाता है प्राइवेट सेक्टर को कि हम आपको जमीन देंगे, हाईवे आप बना दो, हम आपको पैसा देंगे, हाईवे आप बना दो, या फिर पैसा आप लगा दो और हाईवे जो है वो हम बना देते हैं। इस तरीके से पार्टनरशिप होती है। तो टीओटी का भी मॉडल कुछ ऐसा ही है जिसमें क्या होगा, हाईवे से पैसा मिलेगा सरकार को। मॉडल का फुल फॉर्म बताने की कोशिश कीजिए। और फर्स्ट का आंसर सी बोला है। देखिए फर्स्ट का आंसर जो है वो बी होगा। ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। टोल ऑपरेट ट्रांसफर, टोल का मतलब होता है टैक्स लगाना, ऑपरेट का मतलब होता है उसको ऑपरेट करना। अब समझिए प्राइवेट सेक्टर ने एक हाईवे बनाया, ये प्राइवेट सेक्टर ने बना दिया, प्राइवेट सेक्टर का इस पे पैसा लगा है, इस पे रिसोर्स लगा है, तो प्राइवेट सेक्टर उस पैसे की किसी ना किसी तरीके से कीमत तो निकालेगा ना। तो सरकार क्या कहती है कि जब तक आप हाईवे से अपना पैसा नहीं निकाल लेते तब तक आप उस पर टोल टैक्स लगाओ। टोल टैक्स लगता है ना सड़कों पर जब हम जाते हैं, तो टोल टैक्स लगाता है प्राइवेट सेक्टर, फिर उसी टोल टैक्स से अपना पैसा निकालता है, साथ ही साथ उस हाईवे को मेंटेन भी करता है, मतलब उसको ऑपरेट भी करता है। जब लगता है प्राइवेट सेक्टर को कि मेरा पैसा पूरा हो गया, तब वो सरकार को ये ट्रांसफर कर देता है। तो एक्चुअल में हुआ क्या, सरकार ने हाईवे को मोनेटाइज कर दिया, सरकार को अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देना पड़ा, हाईवे भी बन गया और बाद में सरकार को हाईवे मिल भी गया, मालिक तो सरकार ही है ना एट द एंड। तो इस तरीके से ये मॉडल जो है ये भारत में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। आपको बताना है ऐसी कौन सी मिनिस्ट्री है जो हाल फिलहाल में क्लाउड एरोसोल इंट्रैक्शन और प्रेसिपिटेशन का एक्सपेरिमेंट लेके आई है। कल बात करी थी क्लाउड सीडिंग की, क्लाउड सीडिंग की टर्म की बात करी थी। क्लाउड सीडिंग की टर्म में हमने देखा था कैसे क्लाउड बनाए जाते हैं, बादल बनाने के लिए सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है। तो उसी के लिए एक्सपेरिमेंट हुआ है कैपेक्स। ये कौन सी मिनिस्ट्री करती है ये आपको बताना है।
तो बताइए जरा किस मिनिस्ट्री के द्वारा कैपेक्स का जो एक्सपेरिमेंट है वो किया गया, कैपेक्स का एक्सपेरिमेंट। अब देखिए इसको इस तरीके से सोचिए, अगर कहीं बादल बना है, बादल फटा है या बारिश हो रही है, वो सब जानकारी आपको कौन सा डिपार्टमेंट देता है? वो देता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये वो जानकारी देता है ना, जिसको आईएमडी कहते हैं। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ये डिपार्टमेंट जिस मिनिस्ट्री के अंडर आता है उसी ने कैपेक्स का एक्सपेरिमेंट किया है। हम लोगों ने काफी बार देखा है कि आईएमडी का डिपार्टमेंट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो इसका आंसर क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया है। चीजें नहीं भी पता है तो लिंक करके जब पढ़ेंगे तो आपको याद रहेंगी कि क्लाउड की जब बात होती है तो आईएमडी डिपार्टमेंट की बात होती है, जो कि अर्थ साइंस के अंडर है और इसी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। भारत की वो कौन सी कंपनी है जिसने भारत का सबसे पहला सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस कनेक्शन दिया है? दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, हम लोग न्यूज कर चुके हैं। बताइए जरा क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करेंगे। भारत का सबसे पहला सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट इंटरनेट सर्विस कनेक्शन कौन सी कंपनी लेके आई है और ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट में एस्टेब्लिश किया जाएगा? मीडियम अर्थ ऑर्बिट में एस्टेब्लिश होगा तो ज्यादा एरिया को कवर करेगा, पर इसका एक लॉस भी है। लॉस क्या है? लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब, लेटेंसी में एक वर्ड है ना, लेट, मतलब आपके पास सिग्नल लेट पहुंचेगा, कनेक्शन थोड़ा लेट पहुंचेगा क्योंकि ऑर्बिट यूज हो रहा है थोड़ी ऊंचाई पे, तो जब तक कनेक्शन आएगा थोड़ा टाइम लगेगा। तो बताइए जरा, वेरी नाइस, गुड मॉर्निंग राहुल। थर्ड का आंसर सी होगा, रिलायंस जियो, एकदम करेक्ट। प्रियंका का आंसर, सत्या, वेरी नाइस। विशाखा, सब लोग आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। आपको बताना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लस्टर की जो हाल फिलहाल मीटिंग हुई है, उस मीटिंग को किसने चेयर किया, अध्यक्षता किसने करी है? ऑप्शन है राष्ट्रपति ने, प्राइम मिनिस्टर ने, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर ने। बताइए जरा किसके द्वारा ये अध्यक्षता करी गई है और ये क्लस्टर्स क्या करेंगे? ये क्लस्टर्स अलग अलग फील्ड में रिसर्च करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में रिसर्च करेंगे। ये क्लस्टर्स ओवरऑल जो मिनिस्ट्री है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की उसके अंडर ऑपरेट करेंगे, वही इसको चलाएगी, पर इसकी मीटिंग कौन हेड करा है ये आपको बताना है। वेरी नाइस, जो लोग इसका आंसर सी दे रहे हैं वो एकदम करेक्ट हैं। ध्यान कीजिए, हमने अभी अभी न्यूज करी थी, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनके द्वारा इसकी मीटिंग की अध्यक्षता करी गई है। देखिए प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर की जो पहले बॉडी थी वो इंडिपेंडेंट थी, पर साल 2020 में क्या हुआ, इस बॉडी को, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर को कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का हिस्सा बना दिया गया है। तो अब ये बॉडी किसके साथ आती है? ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंडर आती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। 1300 साल पुरानी पन्नामलाई की पेंटिंग किस जगह पे पाई गई है? ऑप्शन है कलिंग में, बादामी में, तमिलनाडु में या कांचीपुरम में। ऐसा नहीं है कि ये पेंटिंग की डिस्कवरी अभी अभी हुई है, ये पेंटिंग बस 1300 साल पुरानी है, मतलब ये मुराल्स हैं। मुराल्स क्या होते हैं? दीवार के ऊपर पेंट किया हुआ है इनको, ठीक है, ये मुराल्स हैं। आप लोगों ने अजंता कभी विजिट किया होगा, अजंता एलोरा, तो जैसे अजंता में दीवार पे पेंटिंग बनी है गौतम बुद्ध की, उसी तरीके से ये आपकी पन्नामलाई की पेंटिंग बनी है और ये किनको डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा को। इस पेंटिंग में क्या हो रहा है? लॉर्ड शिवा जो है वो 8 बाजू में है, मतलब 8 उनके अंग दिखाए गए हैं और वो डांस कर रहे हैं, सामने पार्वती माता उनको देख रही हैं। पर ये पेंटिंग्स क्या है, धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, क्योंकि ये किससे बनाई गई थी? लाइमस्टोन से बनाई गई थी, चूना पत्थर और सैंड उसको यूज किया गया था। अब वो कुछ टाइम बाद तो खत्म होने लग जाएगा ना, इसे जोर दिया जा रहा है कि इन पेंटिंग्स को हमें प्रिजर्व करना होगा, और इसका आंसर सी होगा, वेरी नाइस। तमिलनाडु जो है वहां पे आपकी ये पन्ना मलाई पेंटिंग लोकेटेड है। इन पेंटिंग्स को किसने बनवाया था? देखिए आप लोगों ने हिस्ट्री में पल्लव किंगडम के बारे में पढ़ा होगा। पल्लव किंगडम में एक राजा थे जिनको कहा जाता है राजसिम्हा, राजसिम्हा। इनका एक और नाम था, इनका क्या नाम था? नरसिम्हा वर्मन, नरसिम्हा वर्मन टू,
नरसिम्हा वर्मन द्वितीय जो थे इनको राजसिम्हा कहा जाता है, पल्लव किंगडम के सबसे महान राजा थे जिनके द्वारा तमिलनाडु के अंदर ये पन्नामलाई की पेंटिंग बनवाई गई थी। अब चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। आपको बताना है आइसलैंड इसका एक ऐसा फीचर कौन सा है जिसकी वजह से ये यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे एक्टिव वॉल्केनो का इलाका है, मतलब पूरे यूरोप के सबसे ज्यादा वॉल्केनो, इवन सबसे ज्यादा सेज्मिक वेव अर्थक्वेक वो आपको यहाँ आइसलैंड में देखने को मिलेंगे। इसका कारण पूछा गया है, ऑप्शन है क्योंकि यहाँ बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, सेकेंड है ये मध्य अटलांटिक रिज पर है, मिड अटलांटिक रिज पर, या फिर एक्सटेंसिव डेजर्ट है या बहुत सारे पर्वत हैं यहाँ पे, बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर क्या होगा, अब इसको ज्योग्राफी से लिंक करके पढ़िएगा। इसलिए न्यूज में था क्योंकि आइसलैंड में सेज्मिक स्वार्म देखे गए हैं। सेज्मिक स्वार्म्स, सेज्मिक का मतलब क्या होता है, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक ठीक है। स्वार्म का मतलब क्या होता है, झुंड। इसमें यह कहा जा रहा है कि अर्थक्वेक का झुंड आया यहाँ पे, मतलब बहुत छोटे छोटे अर्थक्वेक लगातार जो है वो आइसलैंड में देखने को मिले हैं जिनको कहा गया सीज्मिक स्वार्म। तो बताइए जरा क्यों ये मोस्ट एक्टिव वॉल्केनिक रीजन है। वेरी नाइस, जो लोग इसका आंसर बी कर रहे हैं वो एकदम करेक्ट हैं, क्योंकि ये मिड अटलांटिक एरिया पे है, मिड अटलांटिक रिज पे आपका आइसलैंड आता है, जिस वजह से ये सबसे एक्टिव है। मिड अटलांटिक रिज क्या है, ये आपका अटलांटिक ओशियन है ठीक है, यहाँ पे सेंटर में कहीं धरती के अंदर मान के चलिए मेंटल जो है, क्रस्ट कोर मेंटल ये सब एरिया होते हैं ना, तो मेंटल में आपका मतलब डेप्थ एक गड्ढा हो रखा है, उस गड्ढे से लगातार लावा आता है बाहर ठीक है, और लावा से रिज बनती जा रही है, तो ये तो हमेशा ही वहां प्रेजेंट है मिड अटलांटिक रिज, जिसकी वजह से लगातार वॉल्केनिक लावा बाहर आता रहेगा और लगातार ये रिज बनती रहेगी, लगातार वॉल्केनो आएंगे, लगातार सीज्मिक वेव या अर्थक्वेक आएंगे, जिसकी वजह से आपका ये हमेशा क्या रहता है, एक्टिव वॉल्केनिक एरिया रहता है। क्वेश्चन नंबर सात है आपका कि साल 1900 में जब ओलंपिक गेम्स हुई थी तो भारत की तरफ से कौन से एथलीट थे जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था या पार्टिसिपेट किया था, बताइए जरा। आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, नॉर्मन प्रिचर्ड, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस, और ये क्वेश्चन काफी आसान है, अगर आप ऑप्शन से जाएंगे तो बहुत आसान है, बताइए जरा। 1900 के ओलंपिक गेम्स कहाँ पे हुए थे, पेरिस में हुए थे, वहां पे भारत ने पार्टिसिपेट किया था, हालांकि भारत उस टाइम पे क्या था, कॉलोनी था, ब्रिटिशर के अंडर था, बताइए जरा क्या होगा इसका आंसर। वेरी नाइस, सेवेंथ का आंसर बी होगा, नॉर्मन प्रिचर्ड। नॉर्मन प्रिचर्ड जो है ये एक्चुअल में पार्टिसिपेट किए थे और 200 मीटर के हर्डल में इन्होंने भाग लिया था, और ये हमेशा से ना कंट्रोवर्सी में ही रहते हैं, क्योंकि भारत कहता है कि ये हमारी तरफ से गए थे, ब्रिटेन कहता है कि उस टाइम आप हमारी कॉलोनी थे तो ये हमारे प्लेयर थे, इस तरीके से कंट्रोवर्सी चलती है। ध्यान रखेंगे ओलंपिक्स के बारे में हमने ये क्वेश्चन इसलिए किया क्योंकि साल 2036 में भारत क्या कह रहा है कि हमें ओलंपिक्स को होस्ट करना है, अगर ये भारत को मिल गया होस्ट करने का मौका तो भारत अपना सबसे पहला ओलंपिक होस्ट करेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आठ पे, पिछवाई पेंटिंग के बारे में है। पिछवाई पेंटिंग का मेन सब्जेक्ट या विषय क्या है, पहला ऑप्शन है भारत के शासकों के बारे में बनाई जाती है पेंटिंग, सेकंड है लॉर्ड कृष्णा की लाइफ की कहानियां बनाई जाती हैं, रामायण के सीन बनाए जाते हैं या फिर ज्योमेट्री के डिजाइन बनाए जाते हैं। तो जरा ध्यान से डायग्राम याद कीजिए, मैंने जो आपको इस पेंटिंग का दिखाया था वो किन भगवान का था, वही आंसर है, बताइए। एट्थ का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर एट्थ का आंसर बताएंगे, सब लोग आंसर करेंगे, सबसे पहला आंसर दिया है प्रियंका ने, वेरी नाइस, बाकी सब लोग बताइए आंसर क्या होगा। अजय का आंसर करेक्ट है, देवराज वेरी गुड, क्या होगा आंसर, भगवान कृष्ण की गाथाएं जो हैं वो पिछवाई पेंटिंग में दिखाई जाती हैं। पिछवाई पेंटिंग का मूल कहां से हुआ था, राजस्थान से हुआ था, वेरी नाइस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ पे, तियांगोंग स्पेस स्टेशन कौन से कंट्री का है, पहला ऑप्शन है नासा, फिर है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, चाइना का है या फिर रशिया का है, बताइए जरा। तियांगोंग स्पेस स्टेशन किस कंट्री का है, और ये स्पेस स्टेशन में 3 लोग भेजे जाएंगे और सबसे यंगेस्ट हैं, सबसे कम उम्र के हैं, नाइन्थ का आंसर बताएंगे क्या होगा। वेरी नाइस, एकदम करेक्ट आंसर दिया है निखिल ने, चाइना।
चाइनीज मैन स्पेस एजेंसी, चाइना का ये स्पेस स्टेशन है, हालांकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑलरेडी है वहां पे स्पेस में, पर वो चाइना का नहीं है, वो नासा का, यूरोप का और कनाडा का है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए, भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन कब एस्टेब्लिश करना चाहता है? ऑप्शन है 2025, 2030, 2035 या फिर 2040। बताइए कब भारत अपना स्पेस स्टेशन लाएगा जिसको हम कहेंगे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इस नाम से ये जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर बताएंगे। वेरी नाइस, सबसे पहले आंसर दिया है निखिल ने, उसके बाद राहुल का आंसर करेक्ट है। वेरी गुड, आंसर होगा 2035। 2035 तक भारत ये चीज जो है खुद के स्टेशन की करना चाहता है। 2040 तक भारत क्या करना चाहता है? मून, चंद्रमा के ऊपर ह्यूमंस को भेजेगा, इंसानों को भेजेगा, चंद्रमा के ऊपर हम लोग इंसान को भेजेंगे साल 2040 तक। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। अबुआ आवास योजना कौन से राज्य सरकार की है? पहला ऑप्शन कहता है यूपी, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है झारखंड या फिर बिहार। बताइए जरा 11th का आंसर क्या होगा? अबुआ आवास योजना, देखिए आवास माने घर देना, ऑलरेडी ग्रामीण इलाकों में आवास देने के लिए एक योजना चल रही है जिसको कहते हैं पीएम आवास योजना रूरल ग्रामीण, ठीक है। इस योजना के अंदर भी घर दिए गए हैं, पर एक्चुअल में ये राज्य सरकार जिसने ये अबुआ आवास योजना चलाई है वो ये कह रहे हैं कि इस योजना के अंदर, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के अंदर हर एक लोगों को घर नहीं मिला है, तो इसलिए इन्होंने अपनी खुद की एक योजना चला दी। और 11th का करेक्ट आंसर एकदम सबने करेक्ट दिया है, झारखंड की है ये योजना। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में जो घर दिए जाते हैं वो होता है 2 रूम सेट और 1 किचन, पर ये जो अबुआ आवास योजना है इसमें क्या दिया जाएगा, इसमें 3 रूम सेट होगा, 3 कमरे होंगे, 1 किचन होगा और 1 टॉयलेट भी होगा। ये टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन कौन से फंड, कौन से पैसे से किया जाएगा, जो स्वच्छ भारत मिशन के अंडर पैसा मिला हुआ है। तो इस तरीके से ये योजना एक तरीके से संपूर्ण है, जिनके पास घर नहीं है ये उनको घर प्रोवाइड करेगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। काजिंद नाम की एक्सरसाइज 2023 की किस जगह पे कंडक्ट हुई है ये बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12th का आंसर बताना है आपको क्या होगा? इसी एक्सरसाइज का पहले नाम क्या हुआ करता था? प्रॉबल दोस्तिक इसका नाम हुआ करता था। और जिन्होंने भी आंसर सी दिया है वो एकदम करेक्ट है। हो ये कजाकिस्तान में ही रही है, पर वहां पे ओतर नाम की जगह में हो रही है। और नाम से क्लियर हो गया, KAZ माने कजाकिस्तान, IND माने इंडिया। तो कजाकिस्तान और भारत के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, इसमें मिलिट्री भी पार्टिसिपेट कर रही है, मतलब आर्मी भी है और एयरफोर्स भी है, दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसी का पहले नाम था प्रबल दोस्ती। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, वर्ल्ड सिटीज डे का थीम क्या है? पहला ऑप्शन कहता है अर्बन कल्चर को एक्सप्लोर करना, सेकंड है प्रमोटिंग ग्रीन अर्बन स्पेसेस, थर्ड है सभी के लिए स्थायी शहरी भविष्य मतलब सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। बताइए, अब ध्यान कीजिए, मैंने आपको क्या सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बताया था उसी का थीम है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 13 का आंसर क्या होगा? वेरी नाइस, सबसे पहले 13 का आंसर दिया है राहुल ने, सी, सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर जो है उसकी फाइनेंसिंग करना सबके लिए, ये है वर्ल्ड सिटीज डे का थीम। वर्ल्ड सिटीज डे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। विजन इंडिया 2047 जो है उसमें भारत को डेवलप्ड नेशन कौन से साल तक बना दिया जाएगा? ऑप्शन हैं 2030, 2040, 2047 या फिर 2050। और किया क्या जाएगा विकसित राष्ट्र बनाने के लिए? $30 trillion की इकोनॉमी सेटअप की जाएगी। 14th का आंसर सबसे पहले दिया है निखिल ने, वेरी नाइस, उसके बाद अजय का आंसर भी करेक्ट है, साल 2047 तक ये चीज की जाएगी, नाम से क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है वर्ल्ड स्ट्रोक डे का थीम क्या था? देखिए वर्ल्ड स्ट्रोक डे हर बार मनाया जाता है 29 अक्टूबर को,
स्ट्रोक आप जानते हैं हार्ट से रिलेटेड होता है, तो बताइए थीम क्या था इसका, हार्ट का कार्डियोवास्कुलर डिजीज का ये क्या है एग्जांपल है सीवीडी, और कार्डियोवास्कुलर डिजीज क्या है, एक नॉन कम्युनिकेबल बीमारी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। WHO का जो 25/25 का इनिशिएटिव था उसमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज से जो मौतें होती हैं उसको भी 25% कम किया जाएगा ये टारगेट सेट किया गया था। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का जिक्र 25/25 इनिशिएटिव जो है उसमें भी हुआ था। तो बताइए इसका थीम क्या होगा, और सबसे करेक्ट आंसर 15 का दिया है ऑलमोस्ट सबने, वेरी नाइस, सबका आंसर करेक्ट है, टुगेदर वी आर ग्रेटर देन स्ट्रॉन्ग, मतलब मजबूती के साथ अगर हम एक साथ हैं तो स्ट्रोक भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, आपको बताना है ऐसा कौन सा कंट्री है जो उत्तराखंड के हंगर प्रोजेक्ट को फंडिंग दे रहा है, उसकी मदद कर रहा है। ऑप्शंस हैं USA, नॉर्वे, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स काफी बार हम पढ़ चुके हैं, इसमें भारत का कितना रैंक रहा है 111। और एक चीज ध्यान रखना है इस इंडेक्स को कंसर्न वर्ल्ड वाइड हंगर के द्वारा जारी किया जाता है। 16th का आंसर देखते हैं किसने करेक्ट दिया है, वेरी नाइस, सबका आंसर करेक्ट है, इसका आंसर बी होगा, नॉर्वे के द्वारा पैसा दिया जाएगा उत्तराखंड को ताकि वहां पे हंगर प्रोजेक्ट अच्छे से चल सके, भुखमरी की समस्या को दूर किया जा सके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, थैलियम के जहर का एंटीडॉट कौन सा है। पहला ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट, आयोडीन, प्रशियन ब्लू या फिर चारकोल। ये थैलियम है क्या, एक मेटल है, मेटल से जो पॉइजनिंग होती है उसको बोलते हैं थैलियम पॉइजनिंग, सबसे खतरनाक जहर है, इसको कहते हैं पॉइजनर्स पॉइजन, सब जहरों का जहर इसे बोला जाता है। और 17th का करेक्ट आंसर सबसे पहले अभी तक किसी ने नहीं दिया, तो देखते हैं कौन देता है, बताइए जरा। ओके, अजय सिंह ए, राहुल सिंह सी, कल हमने किया था, निखिल का आंसर भी करेक्ट है सी, प्रशियन ब्लू। प्रशियन ब्लू जो है ये एंटीडॉट के तौर पे इस्तेमाल होता है, थैलियम का जहर जो है ये हाल फिलहाल ना महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा फैल रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, बन्नी फेस्टिवल जो है ये किस तरीके का फेस्टिवल है। पहला ऑप्शन है डांस फेस्टिवल, सेकंड रिलीजियस फेस्टिवल, स्टिक फाइटिंग फेस्टिवल या फूड एंड कल्चरल फेस्टिवल। और ये बन्नी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये आपका मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। बताइए 18th का आंसर क्या होगा, किस तरीके का ये त्योहार है बन्नी फेस्टिवल। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है जब सेशन ओवर हो जाएगा कि बन्नी ग्रासलैंड ये किस राज्य सरकार में पाए जाते हैं, बन्नी ग्रासलैंड कौन सी स्टेट गवर्नमेंट में पाए जाते हैं। और 18th का करेक्ट आंसर एकदम सही दिया है सबने, सी होगा, ट्रेडिशनल स्टिक फाइटिंग मतलब छड़ी होती है उससे लड़ाई करने का पारंपरिक तौर का ये एक फेस्टिवल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, हॉर्नबिल फेस्टिवल जो नागालैंड में मनाया जाता है और इस बार 24वां मनाया जाएगा, इसका नाम क्या है, क्या कहा जाता है इसको। तो देखिए ये हॉर्नबिल फेस्टिवल हॉर्नबिल नाम के पक्षी के रूप पक्षी के नाम पे है, हॉर्नबिल नाम के बर्ड के नाम पे इसको मनाया जाता है, नागालैंड की कम्युनिटी इसको मनाती है, और कब मनाती है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में, दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाती है। तो बताइए 19th का आंसर क्या होगा, वेरी नाइस, सबने सही बताया है, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल जिसे कहा जाता है, मतलब त्योहारों का त्योहार। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, वज्र मुष्टि कलग क्या है। पहला ऑप्शन है एक रेसलिंग है ट्रेडिशनल, सेकेंड है जानवरों के साथ रेसलिंग है, थर्ड है नकल डस्टर यूज करके रेसलिंग की जाती है, उसके बाद है तलवारों से रेसलिंग की जाती है। अब जरा सोचिए तलवारों से कोई रेसलिंग करता है क्या, बताइए जरा क्या होगा इसका आंसर 20th का। वज्र मुष्टि कलग कहां पे आपकी मनाई जाती है, मैसूरू में, जो मैसूरू दशहरा होता है उसी मौके पे इस कुश्ती को किया जाता है, और विजयनगर किंगडम में इसको सबसे पहले शुरू किया गया था, विजयनगर किंगडम ने इसको स्टार्ट किया था, और इसका आंसर सी होगा, वेरी नाइस। देखिए कल ही हमने किया था कि ये वो रेसलिंग है जिसमें हम लोग हाथ में एक नकल पहनते हैं, हाथ में एक औजार पहनते हैं और उसी से रेसलिंग होती है जिसको कहते हैं नकल डस्टर, और फिर जो मुट्ठी बनती है उस हथियार को पहन के उस मुट्ठी को क्या कहते हैं, इंद्र फिस्ट, इंद्र मुट्ठी।
और उसी मुट्ठी से फाइटिंग होती है। ये नकल डस्टर जो हाथ में पहना जाता है ये जानवरों की हड्डियों से बनता है। अब चलते हैं होमवर्क के क्वेश्चन पे। तो हमने 20 क्वेश्चन किए हैं, 20 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं ये आपको जाते हुए कमेंट सेक्शन में बता के जाना है। होमवर्क का आंसर जो है वो राहुल ने दिया था करेक्ट आंसर एकदम, और कल के मार्क्स भी बताए थे, मीनू कुमारी जी ने भी अपने मार्क्स बताए थे, मार्क्स अपने कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताने हैं। तो देखते हैं कल का होमवर्क का क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये है, जरा अटेम्प्ट कीजिए, उड़े देश का आम नागरिक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बताइए, जरा कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला ऑप्शन कहता है इस स्कीम में रिमोट इलाकों में एयर कनेक्टिविटी इंप्रूव की जाएगी। सेकंड है इंडिया की सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 का ये कॉम्पोनेंट है। उड़ान 5.1 इस साल मनाई जा रही है या इसका फिफ्थ वर्जन जो लॉन्च हुआ है उसमें हेलीकॉप्टर के रूट जो हैं उनको भी इम्प्रूव किया जाएगा, हेलीकॉप्टर्स की कनेक्टिविटी भी बनाई जाएगी, बताइए जरा। ओके सत्या के 20 में से 17 मार्क्स आए हैं, जाते हुए कमेंट में मेंशन करेंगे चैट बॉक्स में, तो चलिए मैंने देख लिए, कमेंट जरूर करेंगे और होमवर्क का आंसर भी बताएंगे सब लोग। ओके वेरी नाइस, इसका आंसर सी है, ऑलरेडी राहुल ने इसका आंसर कर दिया था, तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं आपकी, तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं। और ध्यान रखेंगे उड़ान फिफ्थ वर्जन अभी चल रहा है, उड़ान 4 जो था मतलब उड़ान 4.0 जो था ये किसके लिए चलाया गया था, नॉर्थ ईस्टर्न इलाकों के लिए, नॉर्थ ईस्ट के रीजन जो है उनके लिए चलाया गया था। अब आते हैं आज के होमवर्क क्वेश्चन पे जो आपको करना है। देखिए रेफरेंस फ्यूल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, उसी रेफरेंस मैं उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझाया, आपको नहीं समझ लगा आप बता दीजिएगा दोबारा रिपीट कर देंगे। रेफरेंस फ्यूल के कॉन्टेक्स्ट में ही क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट, आप इसको कमेंट में मेंशन करेंगे जाते हुए। पहला ऑप्शन कहता है ये हाई वैल्यू का प्रोडक्ट है जो व्हीकल की टेस्टिंग में यूज होता है। सेकेंड है इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है रेफरेंस फ्यूल्स का, इसका आंसर आपको जाते हुए कमेंट में बताना है। अब आते हैं मेंस की बात करते हैं, तो देखिए मेंस के आंसर राहुल और रेहान रेगुलरली लिख के भेज रहे हैं, आप लोग भी कोशिश कीजिए अपना आंसर रवनीत कौर ऑफिशियल के टेलीग्राम पे लिख के भेजिए, आपका आंसर चेक किया जाएगा, फीडबैक दिया जाएगा, बिना फीडबैक आप इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे और आंसर राइटिंग के बिना तो चलिए कुछ पॉसिबल ही नहीं है, मीन्स तो लिख के ही करना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन देखते हैं क्या था जो दिया गया था और इसका आंसर अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। देखिए चाइना और भूटान जो है उनका रिलेशन थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल भूटान के फॉरेन मिनिस्टर ने चाइना में विजिट किया और ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि भूटान के फॉरेन मिनिस्टर चाइना गए हैं। तो क्वेश्चन यही कह रहा था कि भूटान का जो चाइना के साथ रिलेशन ग्रो हो रहा है उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, उसके प्रभाव क्या होंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट कहता है कि किस तरीके से भारत को इस तरीके के डायनामिक्स को रिस्पॉन्स करना चाहिए, भारत इस केस में क्या कर सकता है। तो फर्स्ट पार्ट को एड्रेस करेंगे सबसे पहले कि इम्प्लीकेशन क्या होंगे, इसके प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे, और आपको इम्प्लीकेशन भारत के ऊपर बताने हैं कि भारत के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन होगा। सबसे पहला इम्प्लीकेशन क्या है भारत के साथ, कि चाइना के साथ हमारा रिलेशनशिप जो है वो और ज्यादा वीक हो जाएगा, क्योंकि भारत चाइना की पहले ही नहीं बनती, अब चाइना क्या कर रहा है भारत की जिन कंट्रीज से बनती है उनको भी अपनी तरफ खींच रहा है, तो चाइना के साथ हमारा रिलेशनशिप इम्प्रूव होने का चांस कम हो जाएगा। सेकेंड क्या है, भूटान के साथ हमारा ट्रस्ट इशू हो जाएगा। अब भले ही भूटान अपनी चाइना के साथ जो पॉलिसी है और भारत के साथ जो पॉलिसी है उसको अलग अलग रखे, पर भारत को हमेशा ट्रस्ट डेफिसिट रहेगा क्योंकि भूटान चाइना का इंडिया का हमेशा से क्लोज फ्रेंड रहा है। थर्ड चैलेंज क्या होगा, बॉर्डर का इशू। हम लोगों ने डोकलाम रीजन के बारे में पढ़ा था, डोकलाम का रीजन भूटान और चाइना के बीच में विवाद का कारण है, पर भारत का भी डोकलाम में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर डोकलाम के रीजन पे चाइना ने अपना कब्जा कर लिया तो भारत का जो सिलगुरी कॉरिडोर है, सिलगुरी या फिर जिसको चिकन नेक कॉरिडोर कहते हैं, ये कॉरिडोर क्या है, इसी कॉरिडोर से, इसी छोटे से एरिया से हम कनेक्ट होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, तो ये सिलगुरी कॉरिडोर का इलाका भी जो क्या है ये फिर चाइना इस पे कब्जा करेगा, तो इसलिए डोकलाम रीजन जो है उस पर भारत का मतलब विवाद जो है भारत भी उसमें पार्टिसिपेट ही करता है। और बॉर्डर डिस्प्यूट ये जो चल रहा है डोकलाम का, अगर चाइना के रिलेशन भूटान से मजबूत हो गए तो
तो हो सकता है आगे चल के डोकला में चाइना खुद को प्लेस कर ले प्यार के साथ। अब चलते हैं चौथे ऑप्शन पे, बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट, बिजली के जो प्रोजेक्ट्स हैं उस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में भारत फंडिंग कर चुका है, भूटान को पैसा दे चुका है, और अभी उन जगह पे हमने केवल पैसा इन्वेस्ट किया है, वहां से हमने कुछ आउटपुट नहीं लिया, कोई बिजली वगैरह अभी तक ली नहीं है। तो मान के चलिए अगर चाइना ने मोल्ड कर दिया, इन्फ्लुएंस कर दिया भूटान को, तो भारत का ये पैसा, ये फंडिंग वेस्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या है, एनर्जी की बात करते हैं। भारत का अगर व्यापार देखा जाए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, वो अच्छा खासा है भूटान के साथ, तो भूटान से भारत एनर्जी लेता है, इम्पोर्ट करता है एनर्जी को, और अगर रिलेशन खराब हुआ तो भारत को एनर्जी इम्पोर्ट करने में दिक्कत होगी और हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। तो ये कुछ इम्प्लीकेशन भारत पे होंगे। अब हम देखेंगे मेजर्स, भारत किस तरीके से इस चीज को सॉल्व कर सकता है। आपको इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हुए लिखना है, आई एम जस्ट गिविंग द ब्रीफ आउटलाइन। अब चलते हैं मेजर्स पे। मेजर्स में भारत क्या कर सकता है, सबसे पहले तो ट्रस्ट गेन करना दोबारा से, और इस ट्रस्ट गेन में भारत क्या कहेगा कि भूटान के साथ हमारा रिलेशनशिप हिस्टोरिकल टाइम से है, कल्चरल रिलेशनशिप है, ना कि केवल इकोनॉमिकल है। तो भारत उसको भरोसा दिलाएगा कि कभी भी ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मैनर में दोनों कंट्रीज को बातचीत करते रहना है, और ये नहीं ध्यान देना कि चाइना के साथ रिलेशन कैसा जा रहा है भूटान का। उसके बाद सेकेंड क्या है, बायलेटरल अग्रीमेंट। अब ये अग्रीमेंट से क्या होगा, अलग अलग डोमेन में अगर अग्रीमेंट साइन कर लिए, तो भारत ने जैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट किया है, किसी भी जगह पे वहां पैसा लगाया है, तो भूटान को वो आउटपुट उस पैसे के देने पड़ेंगे, क्योंकि वो अग्रीमेंट साइन हो चुके होंगे। तो इस तरीके से लीगल मैनर में भी आप एक ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन क्या है, एनर्जी के इम्पोर्ट के ऑल्टरनेटिव चेक करना। वो ऑल्टरनेटिव कैसे चेक होंगे, कि भूटान के ऊपर डिपेंड ना होके हम आसपास के बाकी नेबरिंग कंट्रीज, जैसे कि नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, उनके साथ और गहरा जुड़े, और फिर बाद में उनको भूटान के साथ जोड़ने की कोशिश करें, ताकि भूटान जो है वो सिर्फ चाइना के इन्फ्लुएंस में ना रह जाए। यहाँ पे एक और चीज लिखेंगे इम्प्लीकेशन में, हो सकता है चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव में भूटान पार्टिसिपेट कर ले, तो अगर ये चीज होगी और नुकसान करेगी। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव के आउटकम नेगेटिव क्या क्या हो सकते हैं, ये चीज भूटान के साथ भारत के द्वारा डिस्कस की जा सकती है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है ट्राइलेटरल टॉक। ट्राइलेटरल टॉक का मतलब क्या है, अब इसमें तीन कंट्री शामिल हैं, भूटान, चाइना और इंडिया, इन तीनों को अगर आपस में सही रहना है तो दो कंट्रीज बैठ के बात करेंगे, तीसरा लग रहेगा ये कभी नहीं हो पाएगा, है ना। जरूरी है तीनों कंट्रीज समझदारी के साथ एक साथ बैठ के, एक मतलब मान के चलिए स्टूल पे आके बात करें, और एक ही जगह पे बैठ के ये सारा डिस्प्यूट, विवाद, बॉर्डर का हर चीज को सॉल्व कर पाए। तो ये कुछ इम्प्लीकेशन के मेजर्स भारत के द्वारा लिए जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है। तो जरा बताइए, जरा किसी का कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है? अच्छा, ओके, रुचिता जी, अभी देखिए जैसे मैंने बताया ना इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है, आप इस तरीके से ही इसको लिखेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए पॉइंट्स को। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, आप चैनल को जब विजिट करेंगे तो उसमें राहुल और रेहान डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं, और आप आपस में एक दूसरे के भी जब आंसर चेक करेंगे, फिर उसमें जो मैं फीडबैक देती हूँ उसको समझेंगे, तो आपको अपने आप लिखना आ जाएगा। ऐसा मैं सोची आप पहली बार लिख रहे हैं, आपको लिखना नहीं आता, लिखना सबको आता है, स्कूल के एग्जाम तो सबने दिए ना, लिखना सबको आता है, वो डर निकालिए अपने मन के अंदर से। बताइए जरा राहुल, आपका आंसर इम्प्रूव हो जाएगा धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काफी अच्छे हैं आपके आंसर, थोड़ा सा जब लिखते हैं बस राइटिंग को खराब मत कीजिए, आपकी राइटिंग वैसे साफ है, पर स्पीड में जब लिखते हैं ना तो राइटिंग गंदी होनी शुरू हो जाएगी, वो चीज नहीं करनी है। तो किसी का कोई भी डाउट नहीं है तो बाइंड अप करें सेशन को, सेशन को एंड करेंगे अगर किसी का भी कोई डाउट नहीं है, बता दीजिए एक बार जरा। ओके, किसी का आई थिंक कोई डाउट नहीं है, तो चलिए सेशन को एंड करते हैं। कल सुबह 8 बजे फिर मिलेंगे हम लोग एक नए सेशन के साथ, तो पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।